आपकी पार्टी का मैंडेट है स्टेट हुड, अगर हम कहें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, लेकिन कल अमित शाह ने फिर कहा कि पहले जो डेलीमिशन कमीशन होगा उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद। यार आप मेरी बात सुनो, हमने स्टेट हुड हो या स्पेशल स्टेटस हो, इसकी बात हमने दिल्ली से करनी है, राइट, दिल्ली से ही लेना है, हिंदुस्तान के लोगों से लेना है। मुझे पूरा यकीन है 10 दिन आगे हो 10 दिन पीछे हो, लेकिन स्टेट हुड हो या बाकी जो हमारे मामलात हैं, अब जैसे 370 है, 35A है, स्टेट हुड है, इन सब चीज़ों में बाज़ाब्ता ऐसे उसने कब बोला, एक महीना बाद, एक महीना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम देखें अभी तक जो राइज वायलेंस में हो रहा है, सभी पार्टीज कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, एनएसए खुद जो है नवंबर में एक टॉक्स जो है उसमें पाकिस्तान भी इन्वाइट होगा, तो कैसे देखते हैं आप उसको? अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए तो उनको गलत करार दिया जाता है, जबकि एनएसए खुद, देखो मेरी आप बात सुनो, बिल्कुल आपने सही बोला, एनएसए करता है, उसका काम है, उसका काम है कि किससे बात करनी है, चाइना से बात करनी, मेरा काम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमारी स्टेट भी ले गए, हम यूटी हैं, लेकिन अभी हमें नहीं समझ आ रही है कि हमें अपने कद के हिसाब से बात करनी है। मुझे पहले स्टेट लाने दो, बाकी चीज़ों पर बात करने दो, बाद में बड़ी बातें करेंगे, अभी हम उतनी ही बात करें जो हमारे साइज़ के हिसाब से हो। एनएसए का काम है बात करना, फॉरेन मिनिस्टर का काम है ये बात करना। मुझे बताओ अगर हर एक स्टेट वाला, हर स्टेट का आदमी बात करेगा नहीं चाइना से बात करो, दूसरा बोलेगा नहीं अफगानिस्तान से, तीसरा बोलेगा बर्मा से बात करो, तो कहाँ चलेगा?